सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली नकली एसडीएम के खिलाफ अब तक पुलिस को 50 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। हाल ही में एक ज्वेलर्स ने भी फर्जी अधिकारी के खिलाफ शिकायत की है। जांच के दौरान आरोपी महिला के पति की भूमिका भी सामने आई है। इस केस में उसे भी सह आरोपी बनाया गया है। वहीं कई अन्य और दुर्घटनाओं के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। शहर के ग्रामीण क्षेत्र देपालपुर की एसडीएम बताकर ठगी करने वाली नीलम की असलियत व्यापारी ने क्राइम ब्रांच में उजागर की थी। व्यापारी ने बताया था कि आरोपी उनसे 70,000 से अधिक की साड़ियां खरीद कर ले गई थी। खुद को अधिकारी बताती रही लेकिन पैसे नहीं दिए। बाद में नीलम ने चेक दिया तो वो बाउंस हो गया। संदेह के चलते आरोपी को पकड़ा तो असलियत सामने आई। गौरतलब है कि क्राइम ब्रांच पुलिस की गिरफ्त में आई आरोपी नीलम पति अनिरुद्ध पाराशर निवासी तेजाजी नगर के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं। इस बार एक ज्वेलर्स ने शिकायत की है। आरोपी ने फर्जी अधिकारी बनकर उनसे 2.5 लाख रुपए के करीब जेवरात खरीदे थे। पैसे मांगने पर वो अधिकारी होने का रौब दिखाने लगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। वहीं मामले की छानबीन में महिला के पति की भी भूमिका सामने आई है। कुछ फोटो सामने आया है जिसमें वो फर्जी एसडीएम बनकर कार के सामने पति के साथ फोटो खिंचवाती दिख रही है। पति को सह आरोपी बनाया है। कई विभाग की फर्जी सील भी मिली है। आरोपी नीलम पीएससी परीक्षा में असफल होने के बाद फर्जी एसडीएम बन गई थी। युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने लगे। हीरानगर थाने में एक पीड़ित ने आरोपी पर केस दर्ज कराया। आरोपी ने 13 लाख लेकर पीडब्ल्यूडी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इस पूरे प्रकरण में 4 और नई शिकायतें आई हैं जिनकी पुष्टि भी हुई है और इसमें 4 और नए FIR भी किए गए हैं। कुछ और लोग सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को इस बारे में ज्ञात हो रहा है और तब उनको आभास हो रहा है कि वो भी ठगे जा चुके हैं और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। तथ्यों के सत्यापन के बाद इसमें प्रकरण भी पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में उससे जुड़ी हुई कुछ इस पैसे का उपयोग करके कुछ वाहन या कुछ अन्य जो संसाधन खरीदे गए थे उन्हें भी पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने बैंकों की डिटेल्स निकाली है। सारे जो बैंक खाते हैं उन बैंक खातों में बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन हुआ है और ठगी किए हुए लोगों से इसमें पैसे लिए गए हैं उसकी भी जानकारी पुलिस ने निकाली है और उनको भी सील करने के लिए लिखा गया है। उनको भी पुलिस जब्त कर रही है और साथ ही साथ जो भी उस पैसे का इस्तेमाल करके जो संसाधन लिए गए हैं और जिनकी पुष्टि हो रही है पुलिस उनको भी उसको अटैच कराएगी। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित हैं पीड़ितों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उनके साथ जो ठगी हुई है पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाने का प्रयास। मुख्य तौर पर ऐसे लोग कई तरह के शॉर्टकट प्रलोभनों का हवाला दे करके लोगों को प्रलोभन दे करके लोगों को झूठा विश्वास दिला करके इस तरह का आश्वासन देते हैं और लोगों का एक तरह से आर्थिक और मानसिक शोषण करते हैं। मुख्य तौर पर इस घटनाक्रम में भी जो कई बार कई लोगों को अलग अलग तरीके के नौकरियों के सब्जाग दिखा करके इस महिला ने और उसकी पूरे गैंग ने लगातार इसमें अपनी ठगी का शिकार बनाया और ऐसे दर्जनों लोगों को इन्होंने दर्जनों लोगों से ठगा। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी तक इसके पति को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। साथ ही कुछ और लोग जो इसकी मदद कर रहे थे उनकी भी पहचान की जा रही है और इस मामले में आगे भी और भी गिरफ्तारियां होंगी।